ये हो गया किडनी, ये हो गया किडनी। किडनी में इस जगह से, यहां से ये पाइप निकलता है, ये पाइप निकलता है इस जगह से, और ये किडनी से पाइप निकलता है, इसी को यूरेटर बोलते हैं, यूरेटर, यूरेटर बोलते हैं। मैक्सिमम 90% लोगों के किडनी में स्टोन होता है, याद रखिएगा। छोटा 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 छोटा, बहुत छोटा छोटा स्टोन टाइप होता है, फैट वेट जाके, मिनरल्स जाके जमा हो जाते हैं वहां पर, वही स्टोन बन जाते हैं। ये मत सोचना कि खाना खा रहे हो कंकर पत्थर खा लिए तो स्टोन हो जाएगा, नहीं, मिनरल्स उनरल्स चले जाते हैं ना, ज्यादा मिनरल्स होते हैं तो किडनी में जाके जमा हो जाते हैं, और वही बाद में थक्का बन जाता है, थक्का थक्का बन जाएगा, स्टोन बन जाएगा। किडनी में स्टोन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जैसे बहुत ज्यादा आप जोर से बॉडी को खींचे ऐसे, हाँ, जैसे आप बहुत ज्यादा बॉडी को ऐसे डाउन कर दिए, खिंचाव जब होता है ना बॉडी पे कभी, या जंपिंग करी है, तब तक कोनो ईगो स्टोन निकल के इसमें गिर जाता है, यूरेटर्स में, पाइप में। और जहां इस पाइप में गिरा, ओवर पेन क्रिएट करेगा, इतना पेन क्रिएट करेगा, अनबियरेबल पेन क्रिएट होगा यहां पर। अगर साइज में बड़ा हुआ तो और पेन होगा ना, और तुरंत गैस बनना स्टार्ट होगा बॉडी में, गैस जैसा प्रॉब्लम होना स्टार्ट करेगा, लेकिन ना बार बार डकार जैसा आ रहा है, पेट में यहां पर पेन होगा ना, एकदम जानलेवा लगेगा, मरोगे नहीं, डोंट वरी, बेहोश हो सकते हो, बेहोश भी नहीं होगे, उतना भी हाई पावरफुल नहीं होता है। अब यहां पर क्या होगा, पूरा का पूरा किडनी एकदम दर्द करना स्टार्ट करेगा, पेन होना स्टार्ट करेगा। इसके लिए आप नॉर्मल जो होता है ना, टैक्सी मोक्सिम का नॉर्मल इंजेक्शन इंजेक्शन लेके उसको सही कर लिया जाता है, कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है, डायलोनालोना का इंजेक्शन लेके, और फिर उस कहा जाता है कि खूब पानी पियो। नहीं, उसके पहले देखिएगा, 4 से 5 बोतल पानी पहले डॉक्टर चढ़ाएगा, डायरेक्ट पानी डालेगा बॉडी में, पियोगे तो धीरे धीरे ना पानी जाएगा, तब तो डायरेक्ट वेन में ही चढ़ा, यहां चढ़ा दिया पानी, पहले से 5 बोतल पानी चढ़ाया। अब जब ज्यादा से ज्यादा वाटर जाएगा, जब ज्यादा से ज्यादा वाटर जाएगा तब वहां से रिलीज होगा वो ना, ज्यादा रिलीज वाटर जाएगा तो धीरे धीरे मारेगा प्रेशर और गिर जाएगा कहां पे, यूरेटर, सॉरी ब्लाडर में, यही है ब्लाडर, और यूरेथ्रा से होके बाई द पाथ ऑफ यूरिन ये बाहर चला जाता है ये ना। इसलिए अब डॉक्टर क्या करेंगे ना, पहले तो इसको निकालेंगे, सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है इसको निकालना, जो फंसा हुआ है, निकल गया आदमी का प्रॉब्लम खत्म। इसको निकलने में लगभग 48 आवर्स लग सकते हैं, उसके पहले 2 इंजेक्शन दिया जाएगा, 48 आवर तक पेन नहीं होगा, डोंट वरी, कोई भी पेन नहीं होगा। लेकिन अब क्या है, जब निकल के यहां पर चला आया, अब डॉक्टर काम में स्टार्ट करेंगे, इसमें जो बचा हुआ स्टोन है उसको यहीं पर डिजोल्व करने का, गला देने का, एक से एक पावरफुल मेडिसिन डाला जाएगा, दवाई डाला जाएगा बॉडी में, अब वो ब्लड के थ्रू जब वहां पे पहुंचेंगे ना, तो उसको धीरे 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 सॉफ्ट बनाएंगे, और सॉफ्ट बनाते 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 तोड़ देंगे, उसको क्रश कर देंगे वहीं पर, और वो केमिकल्स उसको क्रश करेंगे ना। इसके लिए बहुत सारे होम्योपैथ में, एलोपैथ में बहुत सारी दवाइयां हैं, और तब जाके सही होता है ये। हाँ, मान लो 20-25 दिन 30 दिन के बाद में जब आप जाके ना अल्ट्रासोनोग्राफी कराओ, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं अपने यहाँ, अल्ट्रासोनोग्राफी कराओगे तब उसमें देखिएगा तो कहेगा अरे अब नॉर्मल है, बहुत छोटा छोटा है, नॉर्मल खाइए पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें ज्यादा मिनरल वाली चीजें नहीं खाते, मिनरल्स मतलब ज्यादा आयरन हो ना, ज्यादा कैल्शियम हो, ज्यादा मिनरल्स हो, वो नहीं खाने चाहिए। जैसे पालक हो गया, अनार हो गया ना, दूध हो गया ना, इसमें जस्ट लाइक आप मान के चलो मेथी हो गया ना, टमाटर हो गया, ये सब ज्यादा मिनरल्स वाली चीज है, ज्यादा मिनरल्स वाली चीज है, ये सब इसको नहीं दी जाती है। इसलिए देखिएगा ज्यादा टमाटर नहीं खाते हैं किडनी के पेशेंट, वो इसलिए नहीं खाते ना, टमाटर खाएंगे, टमाटर में मिनरल्स है, वैसे नहीं स्टोन है उसके अंदर ना। हाँ, खा सकते हैं, उसका सीड निकाल दीजिए सारा, टमाटर का जो सीड है सारा सीड निकाल दीजिए, और नॉर्मल 2-4 अगर आप चाहें तो पीस खा सकते हैं, उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीड्स ज्यादा पावरफुल होते हैं, पालक उलक हो गया दिया जाता है, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ना, तो देखिए ना पालक खिलाया जाता है, पालक पनीर ना, पनीर तो पूरा प्रोटीन है, तो पालक पनीर बनता है, बड़ा टेस्टी लगता है, बनाने वाला वैसा होना चाहिए।